Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. ये काला दिन तो वो था जब इमरजेंसी लगी थी, ये महाकाला दिन है जो बीजेपी मना रही है। ये कांग्रेस का नहीं मना रही, अपने कारनामों का मना रहे। इन्होंने जो बर्बादी की है मुल्क की, ये उसकी याद दिला रहे हैं लोगों को। इस तरह लोगों को फर्क पता चल रहा है कि इमरजेंसी क्या थी और ये 4.5 बरस कैसे गुजरे हैं। उस वक्त नोटबंदी नहीं हुई थी, 6 दिसंबर भी नहीं हुआ था, गुजरात नहीं हुआ था, फ्रिज में गोश्त के गुमान पर इंसान की जान नहीं गई थी। दलित जो कि मरे जानवर की खाल उतारकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं, मार मार कर उनकी हत्या नहीं की गई थी। किला नीलाम नहीं हुआ था, किराए पर नहीं दिया गया था, ताजमहल को किराए पर देने की तैयारी नहीं थी, नोटबंदी भी नहीं हुई थी, GST भी नहीं लगा था, नीरव मोदी भी नहीं भागा था देश लूटकर, विजय माल्या भी नहीं भागा था, पेट्रोल और डीजल इस कीमत का नहीं था, गैस महंगी नहीं हुई थी। दरअसल जिस तरह से पूंजीपतियों के हाथों देश को बर्बाद कराया है, तवज्जो हटाना है। अब से तकरीबन 5 बरस पहले, 4.5 बरस पहले जब बीजेपी सत्ता में आई है, उस वक्त इमरजेंसी याद नहीं आई थी, इसलिए कि मुल्क के इतने बुरे हालात नहीं हुए थे। इमरजेंसी बेशक एक काला दौर था, कोई दो राय नहीं, लेकिन उसमें ज़्यादा नुकसान पहुंचा था पॉलिटिकल पार्टीज़ को, नेताओं को, स्टूडेंट्स लीडर को। और उसके बाद एक नया सवेरा हुआ था, जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट चला, इमरजेंसी हटी, सत्ता बदली गई। आज तो आम आदमी की बर्बादी हुई है। इमरजेंसी में ट्रेनें सही वक्त पे चलने लगी थी, इमरजेंसी में लोग सही वक्त पर दफ्तर जाने लगे थे। आज हालत यह है कि आज की ट्रेन कल आती है या नहीं आती है, लोगों के जहाज़ छूट जाते हैं, इंटरव्यू छूट जाते हैं, मरीजों के दाखिले नहीं होते। जो बर्बादी इस वक्त है और जो डर है वो उससे भी भयानक है। वो मिसेज इंदिरा गांधी अपनी पावर के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, आज के हालात हैं संविधान को ख़त्म कर देने के। हो सकता है हमें उसका नुकसान कम हो, लेकिन इसका असल नुकसान देश के दलितों को होगा। दलित रिजर्वेशन ख़त्म करना है, दलितों को उनकी औकात बतानी है, दलित हैं, पिछड़े हैं, तो हमारा तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा।